गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन क्लास ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसूर। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, एंड टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर फाइलम दैट इज नीडेरिया और सीलेंट्रेटा। बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल्स, एंड इट इज द अनदर वन। एज बिफोर दैट आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू दैट एज वी मूव अहेड, जैसे जैसे हम फाइलम कंटिन्यूस करते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी और कुछ नए फीचर्स उनमें ऐड होते चले जाएंगे। तो अभी देखें इसमें सीलेंट्रेटा, जैसा कि नेम से आपको क्लियर है कि नीडेरिया, बिकॉज दे हैविंग एन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नीडो ब्लास्ट। ओके, और ये नीडो ब्लास्ट जो सेल्स होती है, दीज आर नोन एज स्टिंगिंग सेल्स। इट मीन्स दे स्पेशली प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज वेल एज इफ दीज एनिमल्स वॉन्ट टू अटैच टू द एनी सबस्ट्रेटम, इनको किसी भी सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच होना है तो ये अपनी नीडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स का यूज करते हैं। उसका फंक्शन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। चलिए पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सिंपल है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन वाटर में स्पेशली पाए जाते हैं, सिसाइल होते हैं, सिसाइल इट मीन्स दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम, किसी भी जगह चिपक के और वहां पे परमानेंटली अपना सर्वाइव करते हैं। जबकि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें वो फ्री स्विमिंग भी है, जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इट मीन्स हम इसको मोर देन वन प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अब पोरीफेरा में जो हमने डिस्कस किया था कि उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दूसरा फाइलम है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ जाता है, यानी सेल्स कंबाइंड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस, और इसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक यानी यहाँ पे जो बॉडी कंपेराइज करती है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म इज टोटली एब्सेंट एट द प्लेस ऑफ मेसोडर्म, मेसोग्लिया इज प्रेजेंट। सो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में। सिलोमेट होते हैं, सिलोमेट इट मीन्स दे हैविंग द बॉडी कैविटी। ओके, और सिंगल ओपनिंग होती है, जनरली 2 ओपनिंग्स होती है लेकिन यहाँ पे सिंगल ओपनिंग होती है ओके बॉडी में। ओके, जस्ट लाइक माउथ, सो जो भी है एग्जिट और एंट्री दैट इज टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेम पोरी। ओके, अब देखिए इसमें जो पेकुलर फीचर की अगर हम बात करें तो एक पेकुलर फीचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं जिनको हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। इस पेकुलर फीचर के अलावा जो इसमें खास बात होती है, इसमें 2 टाइप्स की बॉडी फॉर्म्स मिलती है, यानी 2 तरह की बॉडी फॉर्म्स में ये स्पेशली मिलता है, और वो 2 बॉडी फॉर्म्स होती है पॉलिप एंड मेडुसा। क्लियर है, यानी 2 बॉडी फॉर्म्स में स्पेशली ये प्रेजेंट होता है, पॉलीप एंड मेडुसा। अब जो पॉलीप होता है वो सिसाइल है, यानी एक सबस्टेटम से अटैच होता है, पॉलीप इस तरह की शेप होती है उसकी, सिलेंड्रिकल, सबस्टेटम से अटैच होता है, सिसाइल होता है। ओके, और विदाउट गोनेड्स, यानी इसमें किसी भी तरह के कोई भी मेल फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। हाँ, जो पॉलीप है वो एसेक्सुअली मेडुसा फॉर्म को डेवलप कर सकता है, एसेक्सुअली जो पॉलीप है दैट इज एसेक्सुअली डेवलप मेडुसा फॉर्म। ओके, यानी जो पॉलीप फॉर्म है वो कैसा है, सिसाइल है, सबस्ट्रेटम से अटैच है, सिलेंड्रिकल है, विदाउट गोनेड्स है, और एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ये मेडुसा को डेवलप करता है, वेयर द अनदर फॉर्म इज मेडुसा। अब मेडुसा की क्या खास बात है, तो देखिए मेडुसा क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है, इट मीन्स इट डजंट अटैच टू द सबस्ट्रेटम बट फ्री स्विमिंग है, इजिली मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, एम्ब्रेला शेप्ड है, दिस इज द शेप जो आपको दिखाई दे रही है, एम्ब्रेला शेप है। ओके, और सेक्सुअली यानी इसमें गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, और सेक्सुअली ये किसको डेवलप करता है, पॉलीप को प्रोड्यूस करता है। अब पॉलीप फॉर्म में जैसे एडम्सिया एक एग्जाम्पल है जो पॉलीप फॉर्म में मिलता है, जबकि ओरेलिया एक एग्जाम्पल है जो मेडुसा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें दोनों फॉर्म्स होते हैं, ओबेलिया। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं नीडोब्लास्ट, ये कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होती हैं किसमें, नीडेरिया में, और उसका बहुत ही पेकुलर फीचर है कि इसमें नीडोब्लास्ट या नीडेरिया में जो नीडोब्लास्ट या नेमेटोसाइट्स भी कह सकते हैं आप, ये प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है, देखिए इन सेल्स के अंदर एक लासो
नाम का एक पार्टिकल मिलता है, इस लासो को वो क्या करते हैं, मान लीजिए हमको किसी भी सरफेस पे अटैच होना है तो इस लासो को ये बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, ओके थ्रो आउट करते हैं और ये लासो उससे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये अपनी पूरी बॉडी को वहां पे फिक्स कर लेते हैं। इज इट क्लियर? तो लासो काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनको अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या इनको पता है कि जो सामने ऑर्गेनिज्म है दैट इज अवर फूड, तो उसमें भी ये क्या करेंगे, अपना लासो थ्रो आउट करेंगे एंड उसको कैप्चर कर लेंगे। तो इस तरह से जो नीडोब्लास्ट या नेमेटोसाइट्स है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पेकुलियर फीचर ऑफ द नीडेरिया और सिलिंड्रेटा फाइलम, ओके। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें टू फॉर्म्स है बॉडी की, जिसको हम पॉलिप या मेडुसा बोलते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द सिलिंड्रेटा। लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।